नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज वाणी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड कनी सहायक परीक्षा 2018 जो कि 6 मई को होने वाली है उससे संबंधित जो है पुराना जो है प्रीवियस सोल पेपर लेके आए हैं आपके लिए, और यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया भी लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यह इसके कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। तो वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, आखिर तक देखिएगा। और दोस्तों, हमारे सभी वीडियोज़ को प्यार इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले है राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है वह कितना होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वह 6 वर्ष होता है। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। दोस्तों, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति होता है, वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है स्तनधारी है। तो इसमें जो है जो समुद्री सिंह है ऑप्शन बी, और जो समुद्री गाय हैं ये दोनों ही जो हैं स्तनधारी हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है। तो राज्य के वित्त मंत्री नहीं लेते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं लेते हैं, और मार्ग के महान्यायवादी ये लेता है दोस्तों। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है दोस्तों सही है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी जो है टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो सकती है। तो दोस्तों, यह है एचआईवी एड्स ऑप्शन ए, क्योंकि जब टैटू की बनाने वाली जो मशीन होती है जब वह हाथ पे चलती है तो उससे खून निकल जाता है, और वही मशीन जो अगर किसी एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति पे चलाई गई हो तो और उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति पे चलाई गई तो एचआईवी वायरस फैलने का खतरा रहता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एचआईवी वायरस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार करना है और जो राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से होकर बहने वाली नदी का सुमेलन करना है। तो दोस्तों, इसमें देखा जाए तो जो ये इन्होंने दिए हैं ऑप्शंस, इसमें जो है कोई सी भी नदी जो है इनमें से नहीं बहती है। और हम वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देते हैं कि जो अलकनंदा है दोस्तों, यह सतोपथ जो है हिमरत से निकलती है अलकनंदा, जो यमुना है वह यमुनोत्री से निकलती है, और जो रामगंगा है दोस्तों यह दूधातोली से निकलती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची एक का जो है सूची दो के साथ क्या करना है, मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। जो विटामिन ए है इसकी कमी से दोस्तों रतौंधी होती है, तो ऑप्शन जो ए है इसका आ जाएगा 2। और विटामिन बी वन की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है, तो बी का आ जाएगा 3। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, तो सी का आ जाएगा 4। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस, जो हड्डियों संबंधी बीमारी होती है जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, तो डी का हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है दोस्तों कहाँ पे स्थापित की थी। तो दोस्तों, यह स्थापित की थी उड़ीसा में, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रथम अंग्रेजी अखबार जो था कौन सा था। तो दोस्तों, यह था द बंगाल गजट, आप सबने पढ़ाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू विवाह पुस्तक जो है किसने लिखी है। तो दोस्तों, ये लिखी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जब रोलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो जो इनमें ऑप्शन दिए हैं इसके हिसाब से तो नन ऑफ दी जाएगा। और वैसे बता दें कि जब रोलेट एक्ट जो था 1919 में आया था उस समय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, क्योंकि उन्हीं का कार्यकाल चल रहा था 1916 से 21, तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वायसराय थे। तो रोलेट एक्ट के समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके हिसाब से नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। दोस्तों, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन ए। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस किस वर्ष बनाई गई। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस दोस्तों बनाई गई थी 1920 में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से जो हैं जौनसारी गायक हैं। तो देखते हैं, तो ऑप्शन ए जगत राम वर्मा, ये भी जौनसारी गायक हैं। फकीरा सिंह चौहान, ये भी जौनसारी गायक हैं। नंदलाल भारती, ये भी हैं। तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो हैं जौनसारी गायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में कौन सा जो आभूषण है, ठीक है, वह जो है हाथ में पहनने वाला है। तो हाथ में कौन सा आभूषण पहना जाता है, तो आंसर तो आ जाएगा इसका मुंदरी, ऑप्शन सी, ठीक है। और जो बाकी हैं ऑप्शन ए तुग्यल, ये दोस्तों माना जाता है कान में, फूली पहना जाता है नाक में, इमरती पहना जाता है पैर में। दोस्तों, सारे ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है भारत एक गणराज्य है क्योंकि इस हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरजहां मूलतः निवासी थी, तो ऑप्शन से देखा जाए तो नन ऑफ दीज आएगा। वैसे बता दें जो नूरजहां थी दोस्तों वो ईरान से थी और इसका मूल नाम जो था मेहरू निसा था। अगला जानते हैं क्वेश्चन, किस कानून के द्वारा भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हो गया था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत, वैसे चार्टर एक्ट भी बोलते हैं इसको, चार्टर एक्ट 1858 के तहत जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था शासन समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो दोस्तों रुहेलखंड में जो है 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था वह किया था शहजादा फिरोज खान, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, ज्वारभाटा की उत्पत्ति संबंधी गतिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो दोस्तों यह प्रतिपादित किया था लाप्लास ने, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आप साथ के साथ जो है साइड में देखते रहिएगा, आपकी लेफ्ट साइड जो है इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको दोनों में ही आसानी होगी। चलिए अब जानते हैं अगले क्वेश्चन को, भारतीय मानक देशांतर जो है भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो जो भारतीय मानक देशांतर रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित करना है तो दोस्तों राउरकेला जो है इस्पात केंद्र है वो उड़ीसा में है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल सही है। विजयनगर इस्पात केंद्र जो है कर्नाटक में है, ये सही है, तो इसके हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, यह इन्होंने गलत दिया है। चलिए जानते हैं अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु मोटे तौर पर जो है कैसी है, तो दोस्तों भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में भारत के न्यूनतम व अधिकतम लिंगानुपात वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो दोस्तों न्यूनतम यानी कि न्यूनतम जो लिंगानुपात था वह था हरियाणा में, ठीक है, और जो अधिकतम लिंगानुपात था वह था केरल में, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि भारत विश्व की समस्त प्रक्रिया प्रकार की जलवायु रखता है, भारत जो है विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु रखता है, तो यह कहा था दोस्तों, ये कथन है मार्स डेन का, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा नया शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया, तो अखंडता भी जोड़ा गया था, पंथनिरपेक्ष भी जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था, तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जो है या भारत में वित्तीय वर्ष जो है प्रारंभ होता है, तो दोस्तों यहाँ पर वित्तीय जो वर्ष है वो 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। अगला क्वेश्चन है, गलत युग का चयन करना है, तो उत्तर प्रदेश में जो है राज्यपाल का नाम बताना है राम नाईक है, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल में केसरीनाथ त्रिपाठी है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश में जो है ये गलत दिया है क्योंकि मध्य प्रदेश में आनंदीबेन पटेल है, और केरल में जो है पी सत्यशिवम है, ये सही है, तो ये राज्यपाल भी याद रखिएगा, आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, सही युग में चयन करना है, भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, बिल्कुल सही है। भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर हैं, ये भी सही है। भारत के कृषि मंत्री जो है राधामोहन सिंह है, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन दोस्तों हिंदी से रिलेटेड है, चलिए जान लेते हैं हिंदी किस प्रकार की पूछी जाती है। हिंदी में पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का जो है चयन करना है, तो दोस्तों कनिष्ठ यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, वनस्पति बिल्कुल सही लिखा है, मात्राएं सही हैं, परिच्छेद बिल्कुल सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी शुद्ध हैं, तो सभी सही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन करना है, तो दोस्तों रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द, गाड़ी हिंदी का शब्द, और ये मिलकर बन गया संकर शब्द, तो दोस्तों संकर शब्द की परिभाषा ये कहती है कि दो भिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर जो है एक संयुक्त रूप से जुड़ते हैं, तो उसको संकर शब्द कहते हैं, तो ये संकर शब्द बिल्कुल सही है। पान दान, इसी तरह से पान हिंदी के लिए, दान फारसी के लिए, संकर शब्द भी सही है, तो इस हिसाब से दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है विसर्ग संधि का चयन करना है, तो विसर्ग संधि जो है कहाँ पे है वो बतानी है, तो विसर्ग संधि देखते हैं, तो ऑप्शन ए धू, ये विसर्ग लगा है, शासन धू शासन, तो यहीं से साफ पता लग गया है कि जो ऑप्शन ए है इसी में विसर्ग संधि है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो दोस्तों कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है पुष्पगंधा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट है प्रति उपकार, तो इसमें जो है ई प्लस ऊ जो है स्वर मिलके बन गया यू, तो यह किस में हो रहा है, तो इसमें बताना है, नीचे एग्जांपल्स देखने हैं, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी, ठीक है, प्रति और ऊ का बन गया यू, प्रति उपकार, तो प्रति उपकार हो गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची शब्द है बताना है, वसुमती भी है, वसुंधरा भी है, उर्वी भी है, तो उपरोक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अरबी शब्द का चयन करना है, बताना है अरबी शब्द कौन सा है, तो इम्तिहान, ये शब्द जो है अरबी है, तो आप शब्द को भी देख के जाइएगा कौन से अरबी के हैं, कौन से फारसी के हैं, कौन से उर्दू के हैं, तो ये देख के जुड़ जाइएगा। नेक्स्ट है, सातवीं शब्द का विलोम,
तो विलोम शब्द सात्विक का जो है तामसिक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए जानते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला है, रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से बने हो और अपने में पूर्ण हो, उन्हें क्या कहते हैं। तो जो दोस्तों जो रचना के आधार पर वे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांशों के योग से बनते हैं और अपने में पूर्ण होते हैं, उनको हम बोलते हैं मूल शब्द, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आदान शब्द का विलोम, तो आदान शब्द का विलोम होता है ऑप्शन सी प्रदान। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, जो प्रत्यय संज्ञा विशेषण सर्वनाम या अव्यय के जो है बाद लगते हैं और संज्ञा तथा विशेषण शब्द बनाते हैं, वे क्या कहलाते हैं। दोस्तों इनको कहते हैं हम तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये इसकी डेफिनेशन है। अगला है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ये वाक्य किसका है। दोस्तों यह विस्मयादिबोधक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, तो किस समास में होता है ये बताना है। तो तत्पुरुष समास में ही जो है उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, इन ऑप्शंस में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। अगला है, अर्धविराम का चिन्ह क्या है, तो अर्धविराम का चिन्ह है ऑप्शन बी, ये बना हुआ है आपके सामने। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तीन रंगों का जो है समाहार तिरंगा कौन सा समास है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला अंक जो है पहला पद जो है संख्यावाची है, तो यहाँ से दीर्घ समास आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, सड़क मापने नापना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। सड़क नापने मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में इधर उधर घूमना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, शुद्ध वाक्य रचना का चयन करना है, तो शुद्ध वाक्य की रचना कौन सी है इसमें, तो वह फजूल की बातें करता है, ऑप्शन सी ये सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, जहां एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हों, वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है दोस्तों श्लेष अलंकार, क्योंकि श्लेष का मतलब ही क्या होता है, चिपकना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का संयुक्त वाक्य का चयन करना है, यानी कि ऐसे वाक्य का बताना है जो संयुक्त है जुड़े हुए हैं, जिसमें दो शब्द जुड़े हुए होते हैं तो संयुक्त वाक्य होते हैं, तो देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए, वह घर गया और उसने भोजन किया, सही है, यह संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन बी, शीला ने एक पुस्तक मांगी और वह उसे मिल गई, यह भी जो है संयुक्त वाक्य है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो सी जो है इसमें गलत दे रखा है, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों संयुक्त वाक्य हैं। अगला है, तारा सो तरनी दूरी धारा में लागत जीमी, धारा पर पारा पारावार यों हालत है, उपरोक्त में से जो है कौन सा अलंकार है ये बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों बढ़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आ जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है द फर्स्ट नेशनल पार्क, यानी कि जो पहला नेशनल पार्क था जिम कार्बेट पार्क जो है वह किन जिलों में स्थित है। तो नैनीताल और पौड़ी दोनों में स्थित है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। अगला है, सकलाना रिवोल्ट या रिवोल्ट मतलब विद्रोह, सकलाना विद्रोह जो है कहाँ घटित हुआ था। दोस्तों यह घटित हुआ था टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किसने जो है काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की थी, हु एस्टेब्लिश द प्रेम सभा इन काशीपुर, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी पंडित गोविंद वल्लभ पंत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कालू मेहरा का संबंध किससे था। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता ही है। तो जो कालू मेहरा थे वे एसोसिएटेड थे क्रांतिवीर ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि ऑप्शन बी क्रांतिवीर संगठन। अगला है, सही युग का चयन करना है, चलिए देखते हैं कौन कौन से सही है। तो गंगोत्री यमुनोत्री जो है मंदिर उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही दे रखा है। नानक मत्ता उधम सिंह नगर में है, ये बिल्कुल सही है। और झंडा मेला देहरादून में लगता है, बिल्कुल सही है। तो ए बी सी सभी सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी युग्म सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट को पद्म भूषण मिला था, ये बिल्कुल गलत बता रहा है, क्योंकि हर्षवंती बिष्ट को मिला था अर्जुन, और यह दिया गया था पर्वतारोहण के लिए 1981 में। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए जो है गलत युग्म है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बाकी देख लेते हैं, सुखदेव पांडे को मिला था पद्मश्री, सही है। परिमार्जन नेगी को अर्जुन पुरस्कार, ये भी सही है। और दीप जोशी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सही युग्म का चयन करना है, तो सही युग्म बताना है कि सही युग्म क्या है। 57 क्वेश्चन नंबर, उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन है। दोस्तों वर्तमान में बता दें कि जो गृह मंत्रालय है यह त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के पास ही है, और उत्तराखंड के खेल मंत्री जो हैं वो हैं अरविंद पांडे, और उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री हैं वे हैं सुबोध उनियाल। ये चेंज हो चुके हैं 2018 में, क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी, बीजेपी की आ गई थी, इस तरह से चेंज हो गए हैं, तो इनको याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न सूची एक को सूची दो से क्या करना है, मिलान करना है। तो यहाँ पे पहले से ही मिलान कर दिया गया है आपकी सुविधा के लिए, तो देख लेते हैं। गोविंद वल्लभ पंत है जो इनको 1957 में जो है भारत रत्न मिला था, तो ऑप्शन एक आ जाएगा। थ्री, ठगुली देवी का जो वास्तविक नाम था वो टिंचरी माई के नाम से भी जानी जाती हैं, तो ठगुली देवी टिंचरी माई सेम हो जाएगा, बी का फर्स्ट। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के गांधी, सी का फोर्थ। और गुमानी पंत जो है
इनको लोक रतन भी कहा जाता है, तो डी का सेकंड। तो इस हिसाब से आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन को की तरफ। चलिए ये है नाग देवताल, इस ये जो है कहाँ स्थित है, तो नाग देवताल जो है दोस्तों ये रानीखेत में स्थित है, अल्मोड़ा में है जो कि, तो नाग देवताल रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध टपकेश्वर मंदिर महादेव मंदिर कहाँ है, तो सब सभी जानते ही हैं देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के जो साहित्यिक कार्य के नाम क्या है, दोस्तों त्रिलोचन पांडे जो है इन्होंने कुमाऊं का साहित्य ऑप्शन ए सही लिखा है, ये लिखा है इन्होंने, और ऑप्शन सी यानी कि कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, ये दोनों जो है ये साहित्य इन्होंने इन्हीं के हैं, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी ए और सी दोनों। अगला है मोनाल जो है किस राज्य या राज्यों का राज्य पक्षी है, तो उत्तराखंड का तो है ही आप सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का भी है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है उस्ताद साबरी खान वाज अ ठीक है प्लेयर, तो ये कौन से प्लेयर थे, क्या बजाते थे, क्या वादक थे, तो दोस्तों ये थे सारंगी वादक, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जो उस्ताद साबरी खान थे। नेक्स्ट है किस देश ने इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस IASTA शुरू किया है, दोस्तों यह पेरिस में शुरू किया गया था, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, तो वैसे याद रखिएगा ये पेरिस में हुआ था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दोस्तों प्रधानमंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती वर्ष समारोह के हिस्से के रूप में जो है दो स्मारक सिक्के जारी किए गए थे, वे थे 125 रुपए के और 10 रुपए के, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्त मंत्री द्वारा स्वर्ण मुद्रीकरण योजना को जो है किस रूप में जो है घोषित किया गया है, तो दोस्तों ये स्वैच्छिक रूप से जो है घोषित किया गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने जो है इंदिरा अम्मा भोजनालय कैंटीन योजना की शुरुआत की गई है, तो दोस्तों यह उत्तराखंड में शुरू की गई है, तो ऑप्शन सी उत्तराखंड सही है। नेक्स्ट है NIIT ने किस IT क्षेत्र की प्रमुख जो है के साथ एक शैक्षिक साझेदारी में प्रवेश किया है, तो दोस्तों यह है HP कंपनी के साथ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी HP। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है ठीक है वह अधिनियमित किया गया, तो दोस्तों कोई भी जो एक्ट होता है वह अधिनियमित किसके द्वारा होता है, भारत की संसद द्वारा, पहले वह जो है लोकसभा में पास होता है, उसके बाद वह राज्यसभा में पास होता है, उसके बाद वह जो है राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास जाता है, और उसके बाद जो है वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वह पास हो जाता है, तो इसका और लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलकर ही क्या बनती है, संसद बनती है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सैनिक स्कूल घोड़ा खाल नैनीताल उत्तराखंड में जो है कब स्थापित किया गया, तो इन ऑप्शंस में कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दिस, और वैसे बता दें 21 मार्च 1966 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद किस अनुच्छेद के अधीन जो है आयात उद्घोषणा के को लोकप्रिय रूप में जो है राष्ट्रपति शासन माना जाता है, तो राष्ट्रपति शासन लगता है आर्टिकल 356 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सूची एक को दो से मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला ये कहाँ पर है, दोस्तों ये अल्मोड़ा में है ठीक है। हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर है, ये श्रीनगर गढ़वाल में है। लोक संस्कृति संग्रहालय ये कहाँ पर है, ये नैनीताल में है। और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान IIP आप सभी जानते हैं देहरादून में है, तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें भी सही युग्म का जो है चयन करना है, तो चलिए चलते हैं। चिपको आंदोलन जो है महिला सुरक्षा से बिल्कुल गलत है, यह वृक्ष सुरक्षा से रिलेटेड था ठीक है, तो यह तो गलत है। अगला है मिश्रित वन यानी कि मिक्स्ड फॉरेस्ट, इसके जो उसके जो वो थे जिन्होंने चलाया था ये थे अनिल कुमार पांडे, गलत दे रखा है, ये थे जगत सिंह चौधरी जिनको जंगली भी कहते थे, जगत सिंह चौधरी ने चलाया था ये मिश्रित वन मिक्स्ड फॉरेस्ट। और मैथी आंदोलन वृक्षारोपण संबंधी था, बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी मैथी आंदोलन ठीक है। अगला है भागीरथी और अलकनंदा नदियों का जो है ठीक है इनको किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों इनको सास और बहू के नाम से जाना जाता है, जो भागीरथी है वह सास है और जो अलकनंदा है वह बहू है, ये याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो है सैयद जाफरी का निधन हो गया है ठीक है, और तो ये जो है एक थे क्या थे दोस्तों, ये थे एक अभिनेता सैयद जाफरी। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने राज्य में जो है मोबाइल गवर्नेंस का को जो है शुभारंभ कर दिया है, तो दोस्तों झारखंड सरकार ने किया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ठीक है। अगला है ब्राजील ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है, दोस्तों ये निको रोजबर्ग ने जीती है ठीक है। अगला है पेटा द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए कौन चयनित किए गए हैं, तो चयनित किए गए थे कपिल शर्मा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अत्यधिक सस्ती दरों पर कैंसर और हृदय रोगों के लिए दवाओं के बेचने वाली जो है देश की पहली
खुदरा सुविधा का नाम क्या है दोस्तों, अमृत इस सुविधा के अंतर्गत ही जो है जो भी कैंसर और हृदय रोग से जो दवाइयाँ होती हैं उनको ये सस्ती दरों पर दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अब जो है वर्तमान में 2018 में वह हैं जस्टिस दीपक मिश्रा, याद रखिएगा जस्टिस दीपक मिश्रा जो हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील ने किस राज्य में जो है अपने एकीकृत इस्पात संयंत्र की स्थापना की है? ठीक है, तो ये उड़ीसा में की है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सातवें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की है? दोस्तों ये इसके अध्यक्ष हैं सातवें वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन डी राइट आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है कब? तो दोस्तों यह वृद्धि होती है तब जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है में निम्न में से किस फसलों के उत्पादन में जो है वृद्धि का लक्ष्य निहित है? तो दोस्तों ये गेहूं और दालें दोनों में जो है इनके उत्पादन में वृद्धि का लक्ष्य निहित है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में, तो ऑप्शन आ जाएगा डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन जानते हैं, वर्ष 2011 में उत्तराखंड में शिशु मृत्यु दर थी? तो दोस्तों वर्ष 2011 में थी 36 प्रति हजार, ठीक है, शिशुओं पर 36 थी। तो इनमें से आज इनमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दिस, वैसे 36 है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शैक्षिक तकनीकी तृतीय को किस और नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों यह साइकोलॉजी का क्वेश्चन है और इसको जो है प्रणाली विश्लेषण भी कहते हैं, ठीक है। जो शैक्षिक तकनीकी तीन तरह की होती हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, एक को हम हार्डवेयर बोलते हैं, एक को सॉफ्टवेयर बोलते हैं और तीसरी जो होती है इसको हम प्रणाली विश्लेषण यानी कि सिस्टम एनालिसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में जो है रतन सागर क्या था? तो रतन सागर नाम से ही पता लग रहा है यह पुस्तकालय होगा, पुस्तकों में भी विज्ञान का सागर होता है, तो इसी तरह से इसका आप लगा सकते हो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किए थे? तो जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई से भी ऑप्शन मैच नहीं है। तो पूना पैक्ट समझौता गांधी जी के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, और ये हुआ था 25 सितंबर 1935 को, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो दोस्तों सूरत विभाजन हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता देते हैं इसका आंसर। दोस्तों ये जो अधिवेशन था ये था 23वां अधिवेशन और ये हुआ था 1907 में और इसके अध्यक्ष जो थे वे थे रास बिहारी घोष। दोस्तों बता दें कि इसी 23वें जो अधिवेशन था इसमें कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हो गया था, तो इसी सूरत विभाजन के नाम से भी जाना गया, तो आंसर है ऑप्शन डी 1907 में। अगला है, गीत गोविंद पुस्तक के राइटर जो है वे जयदेव हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, गीत गोविंद जो है इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। कैलाश मंदिर स्थित है कहाँ पर है? ये एलोरा गुफा में है, एलोरा गुफा है महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र राज्य में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं, किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों ये जारी किया था तुर्की ने, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, किस देश ने 8वां जूनियर विश्व एशिया हॉकी कप जीता था? दोस्तों ये भारत ने जीता था, ऑप्शन बी। तो दोस्तों अब वर्तमान के हिसाब से पूछा जा सकता है कि जो कॉमनवेल्थ गेम थे 2018 के ये कहाँ पर हुए? तो आपको पता है गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हुए हैं, और तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जानते हैं, ये भी याद रखिएगा कि जो 2022 में होने हैं वो इंग्लैंड बर्मिंगम में होने हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा भामरी किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये संबंधित है टेनिस से, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला जानते हैं, कौन से दिन को भारत सरकार द्वारा जो है संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये है 26 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा शुरू किए गए जाने वाले प्रस्तावित जो है रेलवे सुरक्षा कोष का जो नाम है वो बताना है। तो इस जो है कोष का नाम है राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विश्व मत्स्य दिवस 2015 जो है बनाया गया था, तो यह किस दिन मनाया गया था ये बताना है। तो दोस्तों यह बनाया गया था 21 नवंबर को, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस बीमारी के लिए एक नया टीका जो है प्रभावी पाया गया है? तो दोस्तों यह ईबोला जो है बीमारी, इसके लिए एक नया टीका खोज की गई है। अगला है, अग्नि फर्स्ट एक जो है मार करने वाली मिसाइल है, तो सतह से सतह में मार करती है ये, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में विकलांग व्यक्तियों के लिए पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों यह किया है थावरचंद
गहलोत ने। तो दोस्तों ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और दोस्तों जो भी करंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जैसे अवार्ड्स वगैरह, गेम्स वगैरह, इसकी वीडियोस हम जो है रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं, अपने चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और हम केवल आपको इंपॉर्टेंट और एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हैं जो कि आपको याद रखने में आसान होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा हमें जरूर कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें जो है एनकरेजमेंट मिलेगी और हम और अच्छा बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तो तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।